गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में, विजय सर की मोटिवेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हमारे लिए पढ़ाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो आंखों देखी कहानी है। मैं हर बार आपसे कुछ शेयर करती हूँ और आपको कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। बच्चों, ये ज़्यादा वक्त पुरानी बात नहीं है, अभी अभी कुछ ही महीनों पुरानी बात है ना, लगभग 1-1.5 महीने हुए होंगे। हम अपने परिवार के साथ एक होटल में गए, वहाँ बहुत अच्छा होटल है, वो बहुत पुराना होटल है इस जगह का जहाँ हम रहते हैं। वहाँ खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वहाँ दो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, अब उन्हें बच्चा नहीं कहना चाहिए, उनके पेरेंट्स बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे, चश्मा बहुत मोटा लगा हुआ था उनकी आँखों पे, और एक हाथ को बेटी ने पकड़ के रखा था, दूसरे हाथ को बेटे ने पकड़ के रखा था, और अपने पापा जी को अंदर वो लेकर आए। बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था, कुछ फैमिली का ग्रुप था, कुछ बुज़ुर्गों का ग्रुप था, ऐसा बहुत सारा ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ था। बेटा, वो दोनों बच्चे अपने पापा को चेयर पे बैठाए, एक बेटी ने चेयर खींचा, बेटे ने बैठाया, उन्होंने अपने पसंद के खाने की चीज़ें ऑर्डर किए, और उनके पापा इतने बुज़ुर्ग लग रहे थे, इतने बुज़ुर्ग हो गए थे वो, कि मतलब उनका हाथ कांप रहा था जब उन्होंने ऐसे स्पून से अपना खाना उठाया, तो उनका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था। और बहुत सारे वहाँ पे यंगस्टर्स थे, आप जैसे बच्चे हैं ना, 11th 12th के कॉलेज वाले, तो वो देख के हंसने लग गए कि वो उठा के मुँह पे नहीं लेके जा पा रहे हैं। फिर बेटे ने उनको पकड़ा, बेटी ने स्पून स्पून करके पापा को खिलाना चालू किया। उन्होंने कोशिश किया कि सूप मैं अपने आप से पी लूँ, पर सूप पीते हुए वो अपने कपड़े पे गिरा लिए, और लोग हंसने लग गए आजू बाजू के देख के कि अरे देखो ना, वो अंकल खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, फिर भी आ गए हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं यहाँ पे। बेटा और बेटी बहुत शांत, कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। जैसे हम होते हैं ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, हम लड़ाई करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक टकटकी सी बन गई थी उनकी और मेरी कि एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक लेसन दिया। बेटा, उनके पापा ने जब कपड़े पे सूप गिरा लिया ना, तो उस बच्चे ने अपने पापा को उठाया, बेटा बेटी दोनों पापा के साथ गए, क्योंकि वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, मेरी बातों पे, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो बेटे ने ज़ोर से पकड़ के रखा था, और बेटी उनको टिश्यू से उनके कपड़े को साफ कर रहे थे, वॉशरूम के पास जस्ट वॉश बेसिन लगा हुआ था। दोनों के चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी, बेटा और बेटी दोनों बहुत प्रसन्नचित लग रहे थे, और पिता के चेहरे पे भी एक खुशी थी, एक मुस्कुराहट थी। चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी वहाँ पे, मतलब एक सिस्टमेटिकली कोई व्यक्ति जाता है, खाता है, एंजॉय करता है, हंसी ठिठोली होती, उस प्रकार की कोई बातें नहीं हुई, फिर भी तीनों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक अजीब सा सुख और शांति दिख रहा था मुझे। थोड़ी देर के बाद जब वापस वॉश करके, वॉशरूम से उनको साफ करके उनके कपड़े लेकर आए, तो वो बैठाए चेयर पे, आइसक्रीम आया, उन्होंने स्कूप स्कूप करके अपने पापा को आइसक्रीम खिलाना चालू किया। कपड़े पे काफ़ी दाग लग गए थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में खुद से भी खाने की कोशिश की थी और रुमाल बांधा हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें गिरी हैं पैंट पे, शर्ट पे, तो लोग बहुत आश्चर्य से और बहुत मजाक उड़ाए दृष्टि से उनको देख रहे थे, हंस भी रहे थे कुछ बच्चे। तो अंत में जब सारा खाना उनका फिनिश हुआ उन तीनों का, तो बहुत प्यार से बेटा बेटी जैसे लेकर आए थे उनको उस रेस्टोरेंट में, वैसे ही एक हाथ बेटी ने पकड़ा, एक हाथ बेटे ने पकड़ा। बेटे ने जाके काउंटर पे पूछा बिल कितना हुआ है, उन्होंने बताया इतना रुपया हुआ है,
और वो जाने के लिए निकलने लगे। इतने में वहाँ एक बुज़ुर्ग की जो टोली बैठी थी उसमें से एक बुज़ुर्ग ने आवाज़ दिया, बेटा ज़रा सुनना, तुम कुछ भूल के तो नहीं जा रहे हो? तो बच्चे ने आवाज़ दिया, नहीं अंकल जी, हम कुछ नहीं भूले हैं, हम तो सब कुछ लेके जा रहे हैं। बुज़ुर्ग ने बोला, बेटा 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ। वो अपनी सीट से उठे और गए उनके पास। बेटा और बेटी दोनों के कंधे पे हाथ रखा और सिर पे हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम जो आज यहाँ छोड़ के जा रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बेटा मुस्कुराया और वो बोला, मैं समझा नहीं अंकल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी भी देखती रह गई, क्योंकि भाई शायद बड़ा था इसलिए भाई ही ज़्यादा बातें कर रहा था। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पापा खा नहीं पा रहे थे, दूसरा कोई बच्चा होता तो शायद गुस्सा हो जाता, दूसरा कोई बच्चा होता तो शायद उनको इस रेस्टोरेंट में कभी लेकर ही नहीं आता, पर तुम दोनों बेटा बेटी अपने पिता को इस कंडीशन में भी लेके आए हो, उनको थोड़ा सा सुख देने के लिए, उनको थोड़ा सा उनका मूड फ्रेश करने के लिए। हम लोग कब से ये देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। बेटी ने बहुत चुप्पी साधे हुए एक स्माइल दिया और अब उसकी चुप्पी चुप्पी नहीं रही, अब वो 2 शब्द बोल पड़ी। उसने बोला, अंकल जी जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, भैया छोटे थे, पापा इसी तरह मम्मी के साथ हमको यहाँ लेके आते थे। आज मम्मी तो हमारे बीच नहीं है, पर भगवान ने हमारे सिर से पिता का साया नहीं छीना है, हमारे पिता हमारे साथ हैं। जब हम अपने कपड़े पर खाना गिरा लेते थे ना, तो पापा हमको डांटते नहीं थे, टिशू से ऐसे ही साफ़ कर दिया करते थे, गले लगाते थे, और हमारी चीज़ें, हमारी ख्वाहिशें, हमारा मनपसंद खाना हमको खिलाकर यहाँ से खुशी खुशी ले जाते थे, बैलून दिलाते थे और घर छोड़ देते थे। तो हम वो दिन कैसे भूल जाएं कि हमारे पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया? आज जब उनका बचपन लौटा है तो हम कैसे छीन लें उनका बचपन? जब आदमी बुज़ुर्ग होता है तो एक बार फिर से बचपन लौट कर आता है। हमारे बचपन में पापा ने हमारे लिए कोई कमी नहीं की, मम्मा ने हमारे लिए कोई कमी नहीं की। मम्मा को तो हम सुख नहीं दे पाए क्योंकि वो बहुत जल्दी चली गई, पर क्योंकि पापा हमारे साथ हैं तो हम एक पल भी उनके बचपन का खोना नहीं चाहते। बुज़ुर्ग वहीं खड़े खड़े रोने लग गए, बहुत खुशी से, बहुत मन भर के उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे के बोले, बेटा सबको तुम्हारे जैसा बेटा और बेटी मिले। आज सच में लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो, आज सच में लग रहा है कि तुम एक जनरेशन हो जो आज भी संस्कारी है। बेटा कहता है, हाँ अंकल जी, बुज़ुर्गों का भी बचपन लौटता है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप कहीं कसर नहीं छोड़ते हमको खुशी देने की, तो हम क्यों छोड़ें? हमसे जितना बन पाएगा उतना हम करेंगे। इतना कहकर अपने पिता का हाथ पकड़े दोनों बच्चे निकल गए, रेस्टोरेंट से निकल गए, कार में बिठाया और अपने घर की ओर रवाना हो गए। इतना अच्छा दृश्य था वहाँ का, इतना अच्छा दृश्य था। खाने से मन तृप्त तो नहीं हुआ, खाने से मन तृप्त तो नहीं हुआ, पर इस नज़ारे को देखकर मन वास्तव में भर आया। अगर सारे बच्चे अपने कर्तव्य को इसी तरह समझ लें तो कोई माँ और कोई बाप तड़पते हुए आपको किसी भी वृद्धाश्रम में नहीं दिखेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ व्यवसाय के लिए हम पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये भी होता है कि हम अपने सारे कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाएं। बस आज मैं आपको यही कहानी बताना चाहती थी और यही सीख देना चाहती थी कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका भी बचपन लौटता है, और उस बचपन को खोने मत देना। किसी माँ बाप को अपने होते, अपने रहते वृद्धाश्रम का होने ना देना। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं।